नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए फतेहाबाद पहुंची राजस्थान पुलिस। राजस्थान के भादरा इलाके में धोखाधड़ी कर अपने गांव चौबारा में रह रहा था आरोपी, राजस्थान पुलिस ने किया काबू। वहीं आते जाते लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के भादरा इलाके में एक पशु व्यापारी से धोखाधड़ी करने वाले फतेहाबाद के चौबारा निवासी एक युवक को राजस्थान पुलिस ने आज काबू कर लिया। राजस्थान से फतेहाबाद में गांव चौबारा में पहुंची पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी नरेश कुमार को काबू कर लिया। राजस्थान पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश में लगी हुई थी। पुलिस कर्मचारी जब आरोपी को पकड़ कर ले जा रहे थे तो ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीएसपी दलजीत सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ भादरा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और इसी मामले में आरोपी ने आज राजस्थान पुलिस ने काबू किया है। आरोपी भादरा से एक व्यापारी से भैंस खरीद कर लाया था और उसके बदले में चेक दिया था, जो कि कुछ दिन बाद बाउंस हो गया और उसके कुछ दिन बाद व्यापारी ने भादरा में उसके साथ धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज करवाया था। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में आरोपी को काबू किया है। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। एक भादरा थाने में तीन भैंस इसने ली थी वहाँ से, तो पैसे नहीं दिए, धोखाधड़ी किए उसमें, चेक बाउंस हो गया, तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। भादरा पुलिस के एसआई जो अशोक कुमार है वो इसको ले गया। कहाँ से उठाया सर? इसको उसके गांव से लिया होगा। कौन सा गांव था? चौबारा गांव से लिया होगा। धोखाधड़ी के मामले में? हाँ, धोखाधड़ी का है जिसमें। ये भैंस लेने का काम करता है, व्यापार करता है, उस पार्टी को उसे पैसे नहीं दिए, फिर चेक बाउंस हो गया उसका। चेक बाउंस के मामले में उठाया? हाँ, जैसे कंसर्न तो वही है। नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का नाम है जी नरेश उर्फ बिट्टू। अच्छा